Training his guns at the Narendra Modi-led BJP, AAP Delhi Secretary Dilip Pandey has said that despite much talk about women's safety and well-being by the BJP, not much has been done. इस देश के अंदर चुनाव प्रचार चल रहा था, तमाम बैनरों पे, पोस्टरों पे, अखबार में, इश्तेहारों में महिलाओं की सुरक्षा पर से जुड़े हुए विषयों पर बहुत अच्छी और जिम्मेदार बातें कही जा रही थी। उसे देखकर इस देश की महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को भी लगा कि केंद्र में अगर बहुमत से एक सरकार आएगी, जो सरकार नारा दे रही है कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार अगर ये सरकार आती है तो इस देश के अंदर महिलाएं पहले से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, दुखद ये रहा कि सरकार बनने के बाद प्रचंड बहुमत से वो तमाम वायदे जो चुनाव के पहले नज़र आते थे गली चौराहों पर, वो सब एक एक करके जुमलों में तब्दील होने लगे। दिल्ली के चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने एक वायदा किया था कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाओं के लिए एक विशेष पुलिस स्टेशन होगा। मुझे यकीन है कि कम से कम जो जन कल्याण के विषय हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट के लिए वो जुमले नहीं होंगे और उस पर गंभीर होगी भारतीय जनता पार्टी। इसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। मेनका गांधी जी ने इस देश के अंदर लगभग हर जिले में रेप क्राइसिस सेंटर खोलने की बात कही। उन्होंने अपनी ये मांग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाई और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, वहां के लोगों ने रेप क्राइसिस सेंटर की मांग को जूतों तले कुचल दिया। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जहां 660 रेप क्राइसिस सेंटर खुलने थे, वहां अब शायद सिर्फ 36 खुल पाएंगे। हम समझना चाहते हैं कि इस देश के वित्त मंत्री जब बजट एलोकेट करते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शहर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ज्यादा प्रिसाइजली अगर कहें तो 100 करोड़ रुपए एलोकेट हो पाते हैं उनके फंड से, और वीआईपीस की सुरक्षा के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च करने में भी केंद्र की सरकार एक बार भी गुरेज नहीं करती। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं, लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर आप कितने गंभीर हैं ये आपकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पता चलता है कि आप कितने गंभीर हैं। पावर्ड बाय NNIS।